बात इज़राइल हमास युद्ध की, क्योंकि इज़राइल देखिए तीन ओर से अपने दुश्मनों से इस वक्त टकराने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। दो मोर्चों पर जंग शुरू हो गई है और तीसरे मोर्चे पर आपको ये बताएं कि कैसे जंग का आगाज अब कर दिया गया है। लेकिन इज़राइल अपने हौसले के साथ डटा दिखाई दे रहा है और इन सब के पीछे उसे अमेरिका से ताकत भी मिल रही है। अमेरिका से स्मार्ट बमों की खेप इज़राइल पहुंच चुकी है और अब दावा किया जा रहा है कि इन बमों से गाजा पर हमले का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तस्वीर नंबर एक, तस्वीर नंबर दो, तस्वीर नंबर तीन, तस्वीर नंबर चार, तस्वीर नंबर पांच, तस्वीर नंबर छह, तस्वीर नंबर सात, तस्वीर नंबर आठ, तस्वीर नंबर नौ, तस्वीर नंबर दस और ऐसी ही सैकड़ों तस्वीरें। दर्द, मौत और मातम की दिल दहला देने वाली दास्तान। कौन जिम्मेदार है इन मासूमों की मौत का? हमास, हिजबुल्ला, ईरान, सीरिया, मिश्र, तुर्की, इज़राइल, अमेरिका या कोई नहीं, या सभी? कौन जवाब देगा? इस बीच गाजा पट्टी में मौत नाच रही है। हमास के आतंकियों की जान का दुश्मन इज़राइल एक एक इंच गाजा पट्टी को जला देने पर तुला है और इस काम में अमेरिका चट्टान की तरह इज़राइल के साथ खड़ा है। बाइडेन से बोले नेतन्याहू कि रात तो रात, दिन तो दिन, और बोले कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ना दिन ना रात। उदाहरण के तौर पर आपको बाइडेन के एक विशेष बम के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसकी विनाशक ताकत ने गाजा पट्टी को जैसे रक्त कुंड में तब्दील कर दिया है। बाइडेन के बम से गाजा पट्टी में रक्तपात, अमेरिका की शक्ति इज़राइल के इस्तेमाल से गाजा तबाह और बर्बाद। इज़राइल ने जो बम फेंका उस पर अमेरिका का नाम। स्मार्ट बम ने गाजा पट्टी को मटियामेट कर दिया। कहानी सीधी और बिल्कुल साफ है कि गाजा की तबाही वाले हथियार कहीं और से नहीं बल्कि बिन्यामिन नेतन्याहू को बाइडेन से मिल रहे हैं। अमेरिका किसी भी अगले पल अगर युद्ध में जमीन पर कूद जाए तो आश्चर्य वाली कोई बात नहीं होगी। बाइडेन की वाणी तेल अबीब में इज़राइल के लिए और हमास के खिलाफ आप सुन चुके हैं। Israel, as they respond to these attacks, seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. ये बहुत क्लियर है कि अरब देश चाहे जितनी शक्ति जुटा ले, एक होकर भी इज़राइल को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका उसके साथ है। लिहाजा अमेरिका से हथियारों की सप्लाई जारी है। अमेरिका के खास बम ने गाजा की गलियों में कोहराम मचा दिया है। हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक या शायद उससे भी आगे चलने वाले इस युद्ध में अमेरिका खुलकर इज़राइल के साथ यानी ईरान के खिलाफ खड़ा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के साथ, और अब जो रिपोर्ट आई है कि इज़राइल हमास के खिलाफ अमेरिका वाले स्मार्ट बम का इस्तेमाल कर रहा है। ये
ये स्मार्ट बम क्या है, इससे किस लेवल पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है, अमेरिका इसराइल को अब तक कितने स्मार्ट बम सप्लाई कर चुका है, बाइडेन के स्मार्ट बम ने गाजा में अब तक कितनों को मारा, और ये क्या सच भी है या नहीं कि इसराइल के पास अमेरिका वाले स्मार्ट बम है भी या नहीं। इन सवालों के जवाब से क्लियर हो जाएगा कि ईरान मानेगा नहीं और अमेरिका छोड़ेगा नहीं, मतलब ईरान की इजराइल वॉर में किसी भी वक्त एंट्री हो सकती है और अमेरिका पहले से ही जंग के मैदान में कूदने के लिए तैयार खड़ा है। गाजा को तबाह करने में अमेरिका को घंटे भर का वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन ईरान कूदा तो इसराइल को हफ्ते ही नहीं, महीने ही नहीं, अंजाम परमाणु बम में भी हो सकता है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। और हमास हिजबुल्ला के बाद हूथी ने भी इसराइल पर हमले किए हैं। हालांकि अमेरिका ने उन मिसाइल को इसराइल में गिरने के पहले ही मार गिराया। चलिए अब आपको हूथी के बारे में विस्तार से बताते हैं। हूथी आतंकी संगठन की स्थापना 1994 में की गई थी। इस आतंकी संगठन की स्थापना हुसैन बद्रुद्दीन अल हूथी ने की थी। हालांकि हुसैन अल हूथी की हत्या 2004 में यमन के सैनिकों ने कर दी थी। हुसैन अल हूथी की हत्या के बाद उसका भाई इस संगठन को चलाने लगा। अब इस संगठन की कमान हुसैन के भाई अब्दुल मलिक के ही हाथ में है। आपको ये भी बताएं, हूथी पर कई आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है, जिसके बाद अमेरिका ने हूथी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। सऊदी अरब से लेकर कई देश ईरान पर हूथी आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करने के साथ ही उसके लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का आरोप भी लगाते रहे हैं। हूथी के ठिकानों पर सऊदी अरब लगातार कार्रवाई करता रहा है। हूथी पर सऊदी अरब, यूएई के शहरों पर हमले के आरोप लगते रहे हैं।